नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूँ, जिन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। पिता हैं जवाहरलाल नेहरू और पुत्री हैं श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए जानते हैं आज की चिट्ठी में क्या है। सरगना का इख्तियार कैसे बढ़ा, ये 15वीं कहानी है। मुझे उम्मीद है कि पुरानी जातियों और उनके बुजुर्गों का हाल तुम्हें रूखा न मालूम होता होगा। मैंने अपने पिछले खत में तुम्हें बतलाया था कि उस जमाने में हर एक चीज सारी जाति की होती थी, किसी एक की अलग से नहीं होती थी। सरगना के पास भी अपनी कोई खास चीज नहीं होती थी। जाति के और आदमियों की तरह उसका भी एक ही हिस्सा होता था, लेकिन वो इंतजाम करने वाला होता था और उसका ये काम समझा जाता था कि वो जाति के माल और जायदाद की देख रेख करता रहे। जब उसका अधिकार बढ़ा तो उसे ये सूझी कि ये माल और असबाब जाति का नहीं, मेरा है। या शायद उसने समझा हो कि वो जाति का सरगना है, इसलिए उस जाति का मुख्तार भी। इस तरह किसी चीज को अपना समझने का ख्याल पैदा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज हर एक चीज को मेरा तेरा कहना और समझना मामूली सी बात है, लेकिन जैसा मैंने पहले तुमसे कहा कि उन पुरानी जातियों के मर्द और औरत इस तरह ख्याल न करते थे, तब हर एक चीज सारी जाति की होती थी। आखिर हुआ ये कि सरगना अपने को ही जाति का मुख्तार समझने लगा, इसलिए जाति का माल और असबाब उसी का हो गया। जब सरगना मर जाता था तो जाति के सब आदमी जमा होकर कोई दूसरा सरगना चुन लेते थे, लेकिन आम तौर पर सरगना के खानदान के लोग इंतजाम के काम को दूसरों से ज्यादा समझते थे। सरगना के साथ हमेशा रहने और उसके काम में मदद देने की वजह से वो उन कामों को बखूबी समझ सकते थे। इसलिए जब कोई बूढ़ा सरगना मर जाता तो जाति के लोग उसी खानदान के किसी आदमी को सरगना चुन लेते थे। इस तरह सरगना का खानदान दूसरे से अलग हो गया और जाति के लोग उसी खानदान से अपना सरगना चुनने लगे। ये तो जाहिर है कि सरगना को बड़े अख्तियार होते थे और वो चाहता था कि उसका बेटा या भाई उसकी जगह सरगना बने और भरसक इसकी कोशिश करता था। इसलिए वो अपने भाई या बेटे या किसी सगे रिश्तेदार को काम सिखाया करता था, जिससे कि वो उसकी गद्दी पर उसके बाद बैठ सके। वो जाति के लोगों से कभी कभी कह भी दिया करता था कि फला आदमी जिसे मैंने काम सिखा दिया है, मेरे बाद सरगना चुना जाएगा। शुरू में शायद जाति के आदमियों को ये ताकीद अच्छी न लगी हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें इसकी आदत पड़ गई और वो उसका हुक्म मानने लगे। नए सरगने का चुनाव बंद हो गया। बूढ़ा सरगना तय कर देता था कि कौन उसके बाद सरगना होगा और वही होता भी था। इससे हमें मालूम हुआ कि सरगना की जगह मौरूसी हो गई, यानी उसी खानदान में बाप दादा के बाद बेटा या कोई और रिश्तेदार सरगना होने लगा। सरगना को अब पूरा भरोसा हो गया कि जाति का माल असबाब दरअसल मेरा ही है। यहाँ तक कि उसके मर जाने के बाद भी वो उसके खानदान में ही रहता था। अब हमें मालूम हुआ कि मेरा तेरा का ख्याल कैसे पैदा हुआ होगा। शुरू में किसी के दिल में ये बात नहीं थी। सब लोग मिलकर जाति के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं। अगर बहुत सी खाने की चीजें पैदा करते तो जाति के हर एक आदमी को उसका हिस्सा मिल जाता था। जाति में अमीर गरीब का फर्क नहीं था, सभी लोग जाति के जायदाद में बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन ज्यों ही सरगना ने जाति की चीजों को हड़प करना शुरू किया और उन्हें अपनी कहने लगा, लोग अमीर और गरीब होने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले खत में इसी के बारे में मैं तुम्हें कुछ और भी लिखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे।
जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूँ मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ इसी पुस्तक की 15वीं कहानी था, सरगना इख्तियार कैसे बढ़ा। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं हमें भी बताएं, इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। अगर आपने कभी कोई कहानी पढ़ी थी और आप भूल रहे हैं, सिर्फ नाम या राइटर भी याद हो तो भी हमें बता सकते हैं, हम उस कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार अगले पत्र के साथ मिलूंगी, जानेंगे सरगना का क्या हुआ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।